नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र ये सोचते होंगे कि हमारा एनडीए 2022 का एग्जाम कैसे करेक्ट होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोगों का ले का प्रिपरेशन या स्ट्रेटेजी सही नहीं रहने के कारण एनडीए के एग्जाम नहीं निकाल पाता है। दोस्तों आप मार्केट में बहुत सारा वीडियो सर्कुलेट करते हुए देखते होंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद आपकी आंखें खुल जाएगी और अगर आप इस तरह से तैयार करेंगे तो एनडीए 2022 का सेकेंड आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों खराब स्ट्रेटेजी के कारण ही हम लोग फेल होते हैं, दिमाग तो सबके पास होता है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर एक तरीका बताऊंगा जिससे आप एनडीए 2022 सेकेंड पे फोकस करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनडीए में दो पेपर होते हैं, एक मैथ्स के होते हैं और दूसरा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर होते हैं। दोस्तों इन दोनों को मिलाकर हमें लगभग जो है 350+ नंबर लाने होते हैं, तभी जाकर दोस्तों हमारा कट ऑफ क्लियर होता है और हम अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर पाते हैं। दोस्तों अगर इससे कम नंबर आता है तो हम लोग दोस्तों सेलेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर इंडिविजुअल कट ऑफ की बात करेंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 25% से लेकर 40% तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों इससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। आपको बहस है कि आपको हर हाल में 25% तो लाना ही लाना, इसके अलावा आपको 350 नंबर से अधिक लाना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। दोस्तों इसके लिए हमें ना बहुत चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है एनडीए निकालने के लिए। आप यूं उठे और आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल बना लेंगे तो एनडीए नहीं निकल पाएगा। चलिए हम पहले पिछले साल के कट ऑफ पर ध्यान देते हैं। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि पिछले साल कितने नंबर लाने पर एनडीए में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों अगर आप बात करेंगे, मैं एक ओवरऑल बात करता हूँ एनडीए 2018 से लेकर दोस्तों एनडीए 2021 तक। दोस्तों इसको कुल मिलाकर अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करूँ तो कुल मिला के जो कट ऑफ गया है दोस्तों वो 325 से लेकर आपके अब तक 2021 में आपको जो गए हैं वो 343+ गए हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें हम अगर सेफ होना चाहते हैं तो हमें 350+ नंबर लाना होगा दोनों पेपर मिलाकर, ठीक है। दोस्तों आप में से कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर पहले में कितने लाए दूसरे में कितना लाए। दोस्तों ऐसे तो 25% क्राइटेरिया है, लेकिन आपको कम से कम एनडीए के मैथ्स पेपर में 60 क्वेश्चन सही करने चाहिए और गेट में लगभग दोस्तों 80 से 90 क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए अगर आपको अपना मार्क्स सिक्योर करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा कैसे आप मैथ में 60+ स्कोर कर सकते हैं और गेट में 80-90 आराम से कर सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए, ठीक है, स्मार्ट प्रिपरेशन से। देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है उस बात को समझिएगा। उससे पहले हम लोगों का एनडीए का इस बार का टारगेट दोस्तों 400+ रहेगा, ठीक है। अब वो 400+ हम कैसे लाएंगे वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, मैथ्स में हम कितना लाएंगे और गेट में कितना लाएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मार्केट में कुछ गलत बातें फैली हुई जो पेड कोर्स में चलाए जाते हैं इन बातों को कि बेटा मैथ का पेपर बहुत कठिन होगा, ऐसा होगा कि तुम सॉल्व नहीं कर सकते, तुमको कम से कम 90 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो दोस्तों ये पहला बात गलत। दूसरी बात कि ये लोग कहते हैं मैथ टफ होता है, दोस्तों मैथ टफ नहीं होता, ठीक है, ये भी बात गलत है। बहुत डिफिकल्ट होते ही नहीं है, ठीक है, ओके। अब बहुत लोग ये कहते हैं बेटा देखो ऐसे करो मैथ्स नहीं हो सकता तुमसे, तुम एनडीए नहीं निकाल सकते। ये जो अफवाह है इससे आपको बचना है, ठीक है, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए। पुष्पा भाई से कुछ सीखो, झुकेगा नहीं साला, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ओके। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि किस तरह से हम स्कोर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपका एनडीए मैथ्स का टारगेट होगा वो 70+ क्वेश्चन होगा। अब ये 70+ क्वेश्चन हम अचीव कैसे करेंगे वो भी आपको तरीका हम बताएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे एनडीए मैथ्स के बारे में बेस्ट फैक्ट क्या है या दोस्तों जो फैक्ट एक्सपेक्टेबल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट आएगा इस बार 2022 के सेकंड में, मतलब इजी नहीं रहने वाला है, मॉडरेट रहेगा, बनने वाला रहेगा, ठीक है, ओके। एनडीए के जो मतलब क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो कभी भी आपको सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे, वो बच्चों को क्या करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, सॉरी दोस्तों, वो पेपर सेट करते हैं, ठीक है। दोस्तों आए दिन क्या हो रहा है ना, पेपर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अभ्यास भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक पार्ट लिखा है PYQ इज रजनीकांत ऑफ एनडीए पेपर। PYQ क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों अब आप अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, एनडीए मैथ्स में अगर 70+ क्वेश्चन हमें स्कोर करना तो वो कैसे अचीव होगा। दोस्तों सबसे पहला बात आप क्या कीजिए कि अभी उठिए और जाइए पेज नंबर 19 खोलिए एनडीए मैथ्स के पेपर को, नोटिफिकेशन में है और उसमें जो भी सिलेबस दिए गए उसको एक एक करके एक एक पॉइंट को नोट करो और अपने कॉपी में लिखो और जहाँ भी पढ़ रहे हो या माइंड में इसे फिक्स कर लो कि हमें मैथ्स में इतना ही चीज़ पढ़ना है। पहली बात ये, सबसे पहला प्राप्त मैथ में स्कोर करने का ये है, ये गलतियाँ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि धरल्ले उठे आरडी शर्मा बनाना शुरू कर दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का आरएस अग्रवाल बनाना शुरू कर दिए, कभी सिलेक्शन नहीं होगा भैया ऐसे में।
भैया सिलेबस देखो तुम्हें पढ़ना क्या है, पेज नंबर 19 में मिलेगा एनडीए के नोटिफिकेशन में, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस को डाल दिया है। सबसे पहला प्रॉब यह है 70+ क्वेश्चन सही करने का, ठीक है। ओके आगे बात करते हैं दोस्तों। अब अगला पॉइंट हमारा है कि आखिर भाई एनडीए मैथ को कैसे करोगे जो 70+ सही क्वेश्चन सही हो जाएगा, अपने आप में एक अच्छी बात है। दोस्तों देखिए हाउ का एक सही उत्तर है कि आप मैथ दो तरह से कंप्लीट कर रहे होंगे, एक तो भैया आपके टीचर करा रहे होंगे, दूसरे आपके सेल्फ में, ठीक है। दोस्तों देखिए सेल्फ में भी आप क्या कर रहे होंगे, किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, बुक में भी टेक्स्ट बुक है या पाथफाइंडर से पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आप पाथफाइंडर से पढ़ रहे हैं तो मैथ में कैसे 80+ स्कोर 70+ करें उसका एक सेपरेट वीडियो है, यू कैन जस्ट वॉच दैट। टेक्स्ट बुक का भी एक सेपरेट वीडियो हम अभी बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कि किस तरह से हम एनडीए में स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले अपने सामने में सिलेबस रखो, ठीक है, और तब प्रिपरेशन शुरू करो। जैसे कोई टीचर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा है तो सामने में सिलेबस होना चाहिए कि भाई इस सिलेबस में मॉडुलस है, आर्गुमेंट है, ये है वो है, जितना भी एनडीए सिलेबस में मेंशन है वो सब होना चाहिए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर 2021 तक का PYQ जो स्पेशल मैथ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उसको खरीद लो जितना जल्दी हो सके उतना, ठीक है। ओके किसी टीचर का क्लास करते हो, कोई भी टीचर पढ़ा रहे, मैं किसी की बुराई यहाँ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अच्छे से पढ़ा रहे, उनका क्या करो भाई, वीडियो आप देख रहे हो उनके क्लास को करने के बाद, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने पूरा पढ़ा दिया तो तुरंत उनके सीट बनाने के बाद PYQ बनाओ, ठीक है। देखो PYQ बनाओ, उसमें बहुत चीज़ें आप ढूंढो, जैसे PYQ में मोस्ट रिपीटेड कौन है, जैसे 2009 में ये पूछा, 2018 में ये पूछा, फिर सेकंड में भी ये पूछ लिया, 2021 में ये पूछा, ये मोस्ट रिपीटेड, ये क्वेश्चन हर बार आता है, इस पैटर्न के क्वेश्चन हर बार आते हैं, उसको एक अलग कॉपी में नोट करो, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। और कोशिश ये रखो कि एनडीए की जो तैयारी करो मैथ के जो स्पेशल टीचर उन्हीं से पढ़ो, बोर्ड स्पेशल से मत पढ़ो, क्योंकि वो डिटेल से आपको बताएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ओके आगे हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। देखो अब टीचर से भी किस तरह से पढ़ना वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए हमारे सबसे फेवरेट टीचर रहे हैं, इनसे मैं बचपन से पढ़ा हूँ, ठीक है, ये काफ़ी इंस्पायरिंग टीचर राकेश सर है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप राकेश सर से मैथ्स पढ़े, वैसे तो ये एडवांस पढ़ाते नहीं है, 11th 12th की मैथ है, ठीक है, लेकिन मान लो किसी भी इस तरह के टीचर से पढ़ो तो उनसे पहले आप कंसेप्ट लो, ठीक है। कंसेप्ट पूरा पढ़ने के बाद उनके जो भी सीट्स हैं उसे करो, उसको करने के बाद PYQ लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर ये नहीं लगाए तो एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, सीधी बात है। मोस्ट रिपीटेड पैटर्न को पहचानो कि भैया इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, और मैथ्स के लिए ये बुक आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। देखिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है भैया वो सबका पिताजी है, ठीक है, सबका पिताजी। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ मैथ्स में, तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ह्यूज है, बहुत चीज़ पढ़ना है, ठीक है। कई ऐसे सारे स्टूडेंट होते हैं जो डर के मारे भैया मतलब JEE का मैथ बनाने लगते हैं, JEE का मैथ्स में नहीं आता, ठीक है। देखिए एनडीए का जो PYQ है क्या कहता है, डियर एस्पायरेंट आई एम सुप्रीम गॉड ऑफ एनडीए मैथ्स, एवरीथिंग इमिनेट्स फ्रॉम मी एंड मर्ज इन मी। देखिए एनडीए का जो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कहता है कि मेरे प्रिय अभ्यर्थी सभी चीज जो है मैं सभी पेपरों का गॉड हूँ, मैथ का गॉड फादर हूँ, सभी चीज मेरे ही कंसेप्ट से निकलते हैं और मेरे में समा जाते हैं, जैसे लॉर्ड कृष्णा हमारे भगवान, उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भगवान मानो, जितना बार तुम कर सको भाई करो, सिलेक्शन होगा, नहीं तो लटके रह जाओगे, ठीक है। इतना ही नहीं है मैथ के लिए, ठीक है, और क्या चीज समझना पड़ेगा, देखिए आप इतना काम करने के बाद, जैसे PYQ को पहचाना, टीचर का क्लास करना, कंसेप्ट लेना, इतना करने के बाद आप मात्र 3 लाख छात्रों को बीट कर पाएंगे, ठीक है, मात्र 3 लाख। बाकी के छात्र को बीट करने के लिए आपको और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए कैसे मेहनत करेंगे, देखिए इतना काम करने के बाद आप मात्र 50% क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है। जैसे अल्फा प्लस बीटा है तो आप इतना तोड़ पाएंगे, अल्फा जैसे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी भी आपको 2 अल्फा बीटा करने के लिए और चीजें करनी पड़ेगी एग्जाम्स में, ठीक है। देखिए आखिर बाकी के 50% हम कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दोस्तों बाकी की जो 50% है उसको कंप्लीट करने का तरीका है कि आप जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से, जो रिपीटेड है उसमें मोस्ट फैक्ट्स को पहचानिए, ठीक है, और एक सेपरेट फॉर्मूला बनाइए, तब जाके आप फिर पकड़ में आएंगे। अब अगला प्रॉब जो दोस्तों है वो है आपके स्पीड। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़ने के साथ साथ एनडीए के एग्जाम की तैयारी करें तो अपने स्पीड को भी प्लीज मेंटेन करें, ठीक है। देखिए आपकी स्पीड जो होनी चाहिए दोस्तों वो राजधानी वाली होनी चाहिए, ठीक है। जब तक स्पीड राजधानी वाली नहीं होगी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सिंपल ट्रेन से चल रहे हो, ठीक है, DMU जैसे चलोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको राजधानी जैसे चलना पड़ेगा, राजधानी जैसे चलने के लिए आपको सिलेबस पर पकड़ बनाना पड़ेगा, अच्छे ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा, तमाम ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों, ठीक है। ओके अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए
अब अगला बात यह है कि आप लोग मतलब फेल क्यों हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये पहले पता करो कि करने की कोशिश करो कि भाई हम फेल क्यों हुए, क्या हमारे अंदर में स्पीड नहीं था, क्या हमारे अंदर में एक्यूरेसी नहीं था, क्या हम क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे थे। अगर ये सारी दिक्कतें हैं तो आप ये सब प्रोसेस नहीं किए होंगे, ना तो PYQ किए होंगे, ना अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो फेलियर तो निश्चित है, फेल होने से घबराओ नहीं, बस उससे सीखने का दोस्तों क्या करो, प्रयास करो। जब तक आप सीखोगे नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, मेरी बात को समझ। तो PYQ भैया साहब अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, और इसके साथ साथ स्पीड मेंटेन भी करना है, एक्यूरेसी मेंटेन भी करना। आप अपने आप से पूछो, ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मतलब जो है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखो जो महत्वपूर्ण बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, सबसे पहले भैया कि आपको क्या काम नहीं करना है। देखिए सबसे पहले YouTube पर आप मल्टीपल वीडियो मत देखिए किसी टीचर का, अगर आप पेड कोर्स किसी टीचर से पहले रख ले रखे हैं तो उन पर बिलीव कीजिए कि हाँ ये हमें मैथ में सिलेक्शन दिला सकते हैं, ठीक है। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो अपने आँख के सामने सिलेबस रखो, खत्म करने की पहले कोशिश करो, NDA जो सिलेबस प्रोवाइड करता है तभी सक्सेस मिलेगा। PYQ को लीव मत करो, ठीक है। देखिए अगर आप PYQ लीव करते हैं तो किसी भी स्टेप में आपका NDA में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप इसके लिए हमें कुछ भी बोलो, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन PYQ सबकी जान है, PYQ नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैथ्स को इतने प्रॉब से गुजरना है, ठीक है, बातें समझ में आई होगी आपको किस तरह से तैयारी करना है, ठीक है। ओके अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग दोस्तों गेट पेपर की। दोस्तों अगर आप गेट पेपर की हमसे चर्चा करेंगे तो कुल मिला के दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं दोस्तों? 150 क्वेश्चन। इस 150 क्वेश्चन में बांटे हुए थे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, 100 क्वेश्चन 50 40 से 50 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे, बाकी आपके दोस्तों हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी इन सभी और प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए गेट पेपर में आपको हाल में दोस्तों 100 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। इंग्लिश में आप आराम से 40 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो, वो भी हम कैसे बताएंगे। देखो इस बार मेरे बहुत सारे छात्र ने मेरे क्लास को करके 40 प्लस क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो आप भी आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो 40 प्लस क्वेश्चन करने के लिए हमारे जो क्लासेस हैं 43 प्लस फ्री वीडियोज़ हैं, ठीक है, और अलग अलग मैं अब लाइव क्लास भी लूँगा, उसमें भी जुड़कर आप कर सकते हो। इसमें भी PYQ को बहुत ज़्यादा तमंचो देना है, PYQ पर बहुत ज़्यादा वर्क करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके अब दोस्तों बात करते हैं, अगर इसमें 40 आपने लाया तो आपको इंग्लिश साइंस में 30 प्लस आराम से सही करोगे। कैसे? आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है, इसके अलावा आप साइंस पढ़ लोगे 9th और 10th के, ठीक है, और उसके बाद एक काम आपको और करना है, ल्यूसेंट का साइंस आपको पढ़ना है। बस मात्र 3 काम आपको साइंस में करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, यकीन मानो 30 प्लस क्वेश्चन आप करके आओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मोस्ट रिपीटेड रहते हैं, ठीक है। ये बातें आपको दिमाग में जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा दोस्तों, ठीक है। आप इधर उधर ना बौखे, ठीक है, इधर उधर काम करने की कोशिश ना करें, ठीक है। देखिए आप इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री की, अगर आप हमसे ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है, अगर हमसे दोस्तों आप करेंट अफेयर्स की बात करेंगे, ठीक है, या अगर हमसे आप पॉलिटी की बात करेंगे, दोस्तों इसका सिलेबस बहुत ह्यूज है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना, इससे हमको 5 5 5 क्वेश्चन की टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। और ये 5 5 5 क्वेश्चन की टारगेट मेरा कैसे कंप्लीट होगा वो भी हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे ढंग से। देखिए इतिहास के लिए मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है, ठीक है, ये वीडियो वो लंबा होगा दोस्तों, अगर इतिहास को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके बातें क्लियर हुई दोस्तों, अगर हम इसको इस वीडियो में करेंगे वैसा तो हमारा क्या होगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझिएगा, ये वीडियो अंत तक आपको देखना है। जो करेंट अफेयर्स होता है ना ये इजी होता है, आप जैसे डिफेंस के कुछ पार्ट पढ़ के जाओगे और कोई छोटे छोटे पार्ट जैसे कोई एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, किसका अपॉइंटमेंट हुआ, किसको कौन से अवार्ड मिले, ठीक है, कौन सा प्लेस न्यूज़ में रहा, ठीक है, अगर ये चीज़ें आप या कौन से खिलाड़ी न्यूज़ में रहे, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मात्र 20 मिनट निकाल कर डेली पढ़ लोगे तो आपको बोनस 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, आराम से कर सकोगे। इतिहास में उसके बाद ज्योग्राफी में पॉलिटी में क्या पढ़ना है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो बनाकर रखा है, ठीक है, आप वहां से उतना ही टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है, ज़्यादा आपको करने नहीं है। गेट पेपर में आपको इंग्लिश साइंस और करेंट अफेयर्स इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने, ठीक है, यही आपको 40 30 70 और दोस्तों ये आपका 10 क्वेश्चन 80 और इधर से आप 10 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उससे अगर मान लीजिए आपने यहाँ 80 क्वेश्चन करा सही सही तो आपको यहाँ मिल जाएंगे 320 नंबर, और उधर मैथ में 70 क्वेश्चन करा आपको तो वहाँ पर भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, आप आराम से NDA का कटअप क्लियर कर लोगे, 400 तक पहुँच जाओगे। दोस्तों ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है NDA के लिए, ठीक है, इसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है। अगर आप फिर से वही काम रिपीट करेंगे जो पिछली बार आपने रिपीट किया, यकीन मानिए सक्सेस आपसे बहुत दूर चला जाएगा। मैं जो बताता हूँ जेन्युइन बातें आपको बताता हूँ, मैं आपको फालतू बरगलाने का कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है।
जो अभी मैंने आपको सारा चीज़ बताया, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन अंत में जाते जाते ये बोलूंगा कि भाई सिलेक्शन चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे बोलो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, इस तरह से होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नहीं तो सिलेक्शन आपसे हाथ आपके हाथ में नहीं लगेगा, यकीन मानिए। आपको इसी तरह से तैयार करना है अपने आप को, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इतना प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं, फालतू की चीज़ें करते हैं। मैं बहुत बच्चों से मैंने पूछा, लगभग मेरे सराउंडिंग में पिछले बार भी मेरे बैच से लगभग 20+ बच्चा का रिजल्ट हुआ है, ठीक है, और इस बार भी उम्मीद है 10+। तो जो उनको मैंने बताया उस तरह से उन्होंने करा तो उनका सिलेक्शन हुआ। बाकी बच्चों से मैं पटना में भी मिला, उनसे मैं पूछा तो उनसे मैं जब PYQ नाम की वर्ड से डिस्कस करता, मैंने उनसे पूछा PYQ करते हो, तो बोलता सर ये PYQ क्या होता है। अब ये समझिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई ये नहीं करोगे अचानक एग्जाम में बैठ जाओगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारी बात अगर आप समझ पाए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और घबराइए नहीं, सिलेक्शन आपका होगा। पहली बार में फेल होगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार पूरी होमवर्क करके जाना, ठीक है। चाहे वो मॉडरेट पूछे चाहे ईजी पूछे, हम स्पीड इतना रखेंगे कि सबको तहस नहस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस शुरू हो तो दोस्तों इसको कम से कम 1000 लाइक पूरा दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।